हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए आपकी आउटपुट जो है ये आपकी बन रही है इतनी, सपोज करते हैं। और दोस्तों आपकी इनपुट जो है वो बनती है 215,325 रुपये, 215,325। अब दोस्तों टोटल लाइबिलिटी निकाल लेते हैं, टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी। तो दोस्तों ये हमारी टोटल लाइबिलिटी है 1,99,200 रुपये। इनपुट को दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोलते हैं, इसे हम ITC भी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ITC। अब दोस्तों मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बता दिया है क्या होता है, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बताऊंगा। ये देखिए टोटल जो लाइबिलिटी है वो मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ITC से जो आपकी आउटपुट टैक्स जो है आपका कट रहा था, वो टैक्स काटने के बाद आपकी लाइबिलिटी बनी है, उसे हम लाइबिलिटी को कैश में पे करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब फिर वही टोटल लाइबिलिटी इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लिख देंगे, जितनी लाइबिलिटी है हमारी उतना ही हमें पे करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये जीरो हो चुका है, GST हमने कैश में पे कर दी है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दोनों के दोनों थ्योरेटिकल समझ में आए होंगे। अब हम आपको इसकी एंट्री करके बताएंगे कि बुक्स में इसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों जो ITC हमारे पास थी उससे हमने अपनी लाइबिलिटी सेट ऑफ कर ली थी, फिर भी उसके बाद हमारी लाइबिलिटी बची हुई थी 1,99,200। तो दोस्तों अब मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि CGST और SGST की दोनों की लाइबिलिटी है मिलाकर 1,99,200 थी, अभी मेरी लाइबिलिटी आ गई है 99,600। अब मैं CGST डेबिट 99,600, आउटपुट SGST डेबिट 99,600 टू ECL इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो मैंने आपको पहले भी थियोरेटिकल बताया था कि इससे हमको पेमेंट करनी होती है जब हमारे पास ITC नहीं होती। तो थैंक यू।